हेलो 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 प्यारेलाल, कपूर साहब एयरपोर्ट से आ गए? कौन, गुप्ता जी? हाँ जी, साहब जी आ तो गए, मगर पर क्या, देवयानी बेटी तो आ गई अभी ना, जरा से बात कराओ। नहीं जी, देवयानी बेबी अभी तक नहीं आई है। नहीं आई, क्या मतलब? मतलब ही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, साहब भी आ गए मगर कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं साहब। क्या हुआ साहब? साहब वही तो पता नहीं लग रहा है, जब से आए हैं रोए जा रहे हैं साहब। क्या कहा, वो रो रहा है? तुम कपूर को फौरन फोन दो। साहब जी, गुप्ता जी का फोन है। साहब जी गुप्ता जी बात करना चाह रहे हैं आपसे। राजन, क्या हुआ, बोलना। सब खत्म हो गया। राजन क्या खत्म हो गया, देवयानी कहाँ है? सब खत्म हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या खत्म हो गया राजन, बोलो बोलो क्या खत्म हो गया? देवयानी। राजन, राजन तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। राजन साहब, हेलो, क्या हुआ राजन को? पता नहीं मंजू, वो बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है। बहकी बहकी बातें कर रहा है? देवयानी से क्या कह रहा? वो तो पता नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं वहाँ पहुँचते ही तुम्हें फोन करता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ठीक है। पोजीशन है डॉक्टर? डॉक्टर साहब। हाँ भाई, घबराने की कोई बात नहीं है जी। देवयानी की मौत की खबर सुनकर इनको गहरा सदमा पहुंचा है, जल्दी होश आ जाएगा। कोई फिकर वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग नीचे चलिए, मैं इनके पास बैठूं। नहीं, आप भी आइए। नर्स, जैसे इन्हें होश आए आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। यस डॉक्टर। आइए। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? ठीक है, आइए। नर्स साहब का ख्याल रखना। मैं सब कुछ बताता हूँ। सामने मगर नजर आती नहीं। ओ मॉम, इतनी रात गए किधर जा रही हो? चलो, तुम्हें पता तो चला कि रात बहुत हो चुकी है। वेल मॉम, मेरे लिए तो रात अब भी जवान है, लेकिन तुम्हारे लिए नो नो नो। और ऐसे डैडी को रात को अकेला सोता छोड़कर किसी और के पास?
छोटे बड़े माँ बाप हमारे रिश्तों को भूल जाता है। मैंने इतनी मकसदों के बाद कहीं ही दिन देखने के लिए मुझे पैदा किया था। कौन? काश मैं पैदा ही ना हुआ होता तो तुम्हें पूछने वाला भी तो कोई नहीं होता। तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तो कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे डैडी के पास जा रही हूँ। क्या डैडी घर के बाहर है? तुम घर पे रहो तब ना तुम्हें मालूम पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या हो गया। मेरे पास फालतू बहस करने का वक्त नहीं है। कपूर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहीं जा रही हूँ। आती नहीं। नक्षत्र मिटाते हैं, नक्षत्र बनाते हैं, भूत भविष्य की बातें नक्षत्र बताते हैं, भूत भविष्य की बातें नक्षत्र बताते हैं। साहब जी को होश आ रहा है? साहब जी को होश आ गया। देवयानी, 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 किसके सहारे जियूंगा मैं?